लो भाभी जी, हो गया आपका काम। ठीक है भाई साहब, मैं अभी पैसे ले आती हूँ। ये लो भाई साहब। अरे भाभी जी, 100 रुपये ज्यादा क्यों दे रही हैं? मुझे करंट लगा इसलिए क्या? अरे करंट तुझे नहीं मुझे लगा है, जाके बाजार से चड्डी खरीद लेना। सुनो जी, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है गर्लफ्रेंड। और जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? अबे यार बता दूंगा, मिर्ची लग जाएगी तेरे को। नहीं बताओ, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है बीवी। अरे 2 दिन पे भाई दूज आया है और तू अभी तक मायके नहीं गई, क्यों? इस बार तेरा भाई तुझे लेने नहीं आया? अच्छा, तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है मुझे मायके भेजने की। और वैसे भी इस बार मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने आओगे। ठीक है, लेकिन मुझे भी प्रॉमिस कर कि तू मायके से वापस तभी आएंगी जब मैं तुझे लेने आऊं। तुम्हारे लिए खुशखबरी, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। अरे वाह, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेज देना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेज देना। और अगर नरक में जाऊँ तो क्या भेजूँ? बस अपनी वीडियो भेज देना, हम भी तो देखें बीवी को सताने वाले किस हाल में हैं। कोई है? माफ करो, आगे जाओ। अरे बाबूजी, 1 मिनट बात तो सुन लो। क्या है बोलो। 2 रुपए दे दो, 3 दिन से भूखी हूँ। 3 दिन से भूखी हो तो 2 रुपए का क्या करोगी? बस वजन देखना है कितना कम हुआ है। सुनो। हाँ जी। ये लो, 20 का दूध, 20 की दही, 20 का पनीर। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ठीक है बेबी। वो ना एक प्रॉब्लम हो गई, सारे नोट मिक्स हो गए, पता ही नहीं चल रहा कौन से 20 का दूध लाना है और कौन से 20 का पनीर लाना है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, 40 दिन के इस लॉकडाउन में जिस पति की अपनी पत्नी के साथ लड़ाई नहीं हुई, सरकार उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित करेगी। अच्छा बेबी, ऐसा कौन सा जानवर है जो पहले इंसान को अपने जाल में फंसाता है फिर उसे तड़पा तड़पा के मारता है? मुझे क्या देख रहे हो, बताओ ना।